धनवार प्रखंड में इन दिनों लगातार खाद्यान्न की कालाबाजारी जोरों पर है, वह भी सरकार द्वारा जल वितरण प्रणाली के दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे अनाज की। प्रशासन भी ऐसे लोगों पर पैनी निगाह बनाए हुए है। जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक महकमा भी ऐसे लोगों को कालाबाजारी करने से रोकने के लिए जुटी हुई है। अनाज की कालाबाजारी करने ले जाने की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक राजकुमार यादव पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए तथा प्रशासन को मामले का उद्भेदन करने के लिए सड़क जाम तक कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर चावल लदे वाहन को जब्त कर लिया तथा उसे गोदाम में रखवा दिया। ट्रक पर लदे 477 बोरा में 232 क्विंटल 38 किलो चावल लदा हुआ था। यहाँ लगातार शिकायत मिलने के कारण यहाँ जो धनवार में जो चावल की कालाबाजारी जो हो रही थी, तो लगा एक इसके पहले भी SDO साहब ने पकड़े थे और आज तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है PDS का चावल है, जो AGM ने भी पुष्टि की है और SDO साहब देखते ही बोल दिए कि PDS का है। तो ये प्रथम दृष्टिया में तो ये मामला बन गया है। अब पुलिस का भूमिका है कि इस कहां से ये चावल लाया गया, कौन इसको बेचा है, कहां से उठाया गया और कहां भेजा जा रहा था। ये बहुत बड़ी रॉकेट है, एक सिंडिकेट है, उन सभी लोगों का नाम आना चाहिए और हमारी मांग है कि अब महीना में जो दो बार चावल देना है वो मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो हमारे SDO साहब ने आश्वासन दिया है, डीलर को भी एक संदेश है, AGM साहब को भी संदेश है, डोर टू स्टेप डिलीवरी के संवेदक को भी एक संदेश है और AMO को यहाँ से हम लोग हटाने की मांग किए, क्योंकि ये AMO इतना बड़ा प्रखंड में काम करने लायक नहीं, क्योंकि दिन में भी जो है सो इनका जो है सो व्यवहार ठीक नहीं है, व्यक्तिगत रूप से ये जो है सो ड्रिंक करके भी रहते हैं, जो एक अधिकारी के लिए। कल पुलिस को सूचना मिली थी, घोड़थंबा पुलिस को थाना प्रभारी ओम प्रकाश जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चावल को पकड़ा। प्रथम दृष्टिया देखने से लगा ये कि जो है PDS का चावल है, इसको जांच कराया गया। जांच में हम देख रहे हैं पूर्व विधायक जी हमारे धरने पे भी बैठे थे और SDM सर है और चावल के जो मास्टर है यानी कि जो जांच करता है वो भी आए हुए हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि प्रतीत होता है कि ये PDS का ही चावल है। अब रही पुलिस की भूमिका, अब जो भी अनुसंधान में आएगा चावल कहाँ से निकला, कहाँ जा रहा था, किसका चावल था, वो पुलिस का पार्ट है। हम लोग किसी भी तरह से कोई भी इसमें हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको लेकर के AMO को भेजा गया था, सुना है AGM को जो बुलाया गया, चावल प्रथम दृष्टिया AGM के द्वारा बताया गया कि राशन डीलर के पास जो जाता है वही चावल है प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में अभी जो गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी ले जाने वाले जो भी हैं, पकड़े भी गए हैं, उन पर विनिसम्मत कार्रवाई के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसके सूत्र का भी पता करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस पर अंकुश लग सके और आम जन को अनाज मुहैया कराई जा सके। इसके माध्यम से चूँकि पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी रोड जाम में बैठे भी थे, उनकी भी मांग थी कि हमारे आमजन को अनाज मिले और हम लोगों का एक ही उद्देश्य ही है कि जो भी अनाज है वो राशन डीलर के माध्यम से हमारे उपभोक्ता के पास यानी आमजन के पास पहुंचे। इसको सुनिश्चित करने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं, फिर भी संख्या अधिक होने में हो सकता है, कमियां रहती ही हैं, तो उसको भी सुधार किया जाए। AMO को 20 तारीख को मेरी बैठक होती है हर माह, 20 तारीख की बैठक में पुनः इसका भी एग्जाम्पल देकर के और उन्हें निर्देशित भी किया गया है कि वो लक्ष्य के अनुरूप हमें रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और सभी डीलर को एक संदेश है कि अगर आप अनाज वितरण में कोताही बरतेंगे तो आप कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे।